नमस्कार, इस वक्त हम हैं छावनी अनाज मंडी में और छावनी अनाज मंडी में जो लाल चने की आवक है वो लगातार बढ़ रही है और लगातार आवक बढ़ने के साथ साथ अब जो लाल चने के दाम है उसमें भी निरंतर बढ़ोतरी का सिलसिला देखने मिल रहा है। लाल चने के ऐसे ही व्यापारी शरद जी हमारे साथ हैं, इनके पास सीधे चलते हैं और जानते हैं क्या कुछ स्थिति लाल चने के व्यापार को लेकर फिलहाल बनती दिखाई दे रही है। शरद जी, बहुत स्वागत। पहले तो आपका पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि किस तरह की स्थिति लाल चने को लेकर बन रही है? अभी तो बाजार ठीक है, बाजार 58,000 बिकता है विशाल, और आवक भी ठीक ठीक बनी हुई है। यदि हम बात करें तो लाल चना लगातार हमारे पास आ रहा है, किस तरह की डिमांड हमारे पास है और किस तरह का उत्पादन आपकी बार बार? डिमांड अच्छी है, लेकिन जितना उत्पादन उतना माल यहाँ बिक जाता है, कोई मारामारी नहीं रहती है, माल सब बिक जाता है यहाँ पर। अच्छा। और पूरे भाव किसान को मिलते हैं और 58,000 से 6,000 अच्छे माल बिकते हैं, बाकी फिर हल्का माल आए तो उस हिसाब से भाव कम हो जाते हैं। यदि हम बात करें तो अभी वर्तमान में कितने दाम जो है चल रहे हैं और आने वाले समय में हम क्या कुछ संभावना दाम को लेकर जता सकते हैं? अभी तो वही है 58,000 से 6,000, और मौसम भी आता है हमारे यहाँ तो फिर वो 6,000 से ऊपर बिकता है, 6,000 6,500, और आने वाले समय में कुछ भविष्य में कुछ कमी तो दिखती नहीं है, और फिर भविष्य का कुछ नहीं कह सकते। यदि हम बात करें तो कौन कौन सी वैरायटी का चना हमारे पास आता है और अलग अलग वैरायटी के क्या कुछ दाम अभी वर्तमान में चल रहे हैं? अधिकतर हमारे यहाँ विशाल, मौसम्बी और कांटे वाला आता है। तो विशाल तो आपका वो 58,000 से 6,000 बिकता है, कांटे वाला आता है तो 58,000 से 6,100 तो बिक जाता है, और जो मौसम्बी आता है वो 6,000 6,500 ऊपर भी बिक सकता है, अच्छा मान लो 7,000 तक भी। और यदि हम बात करें तो चने का किस तरह का उपयोग होता है और हमारे यहाँ से चना कहाँ कहाँ सप्लाई किया जाता है? चना तो ऑल ओवर इंडिया जाता है, चने का मेन उपयोग दाल बनती है और एक उपयोग बेसन, दो मेन उपयोग होते हैं सबसे ज़्यादा, दाल और बेसन। यदि हम बात करें तो आने वाला सीजन वैवाहिक सीजन होगा, अलग अलग त्यौहार आने वाले हैं, चने की डिमांड जो है वो लगातार बढ़ेगी, तो क्या संभावना जता रहे हैं हम दाम जो है आने वाले समय में चने के बढ़ सकते हैं या फिर जो है स्थिर दाम रहने की संभावना है? दाम तो लगभग लगभग स्थिर रहेंगे, यहीं से कुछ थोड़ा बहुत प्लस माइनस चलेगा, बाकी कोई बहुत ज़्यादा तेजी मंदी की हाल फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है। यदि हम बात करें पिछले साल की तुलना में इस साल चने का व्यापार किस तरह का रहा और दाम में क्या कुछ अंतर हमें चने के देखने मिले पिछले साल की तुलना में इस साल? दाम कुछ भी सरप्लस है पिछले साल के मुकाबले, और व्यापार तो वैसे ही है, हर डिमांड निकलती है सीजन में, पूरे ऑल ओवर इंडिया इंदौर से माल जाता है और अच्छी डिमांड है। अनुभवी व्यापारी हैं आप, क्या कुछ संभावना आने वाले समय के लिए जता रहे हैं, क्या कुछ दाम जो है चने के कहाँ तक जा सकते हैं आपके पास? ऐसा तो कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ आने वाले समय में कुछ ना कुछ दाम में बढ़ोतरी होती ही है, एक बार किसान माल रोक लेता है, आवके रुक जाती हैं तो दाम कुछ ना कुछ तो बढ़ता है। निश्चित तौर पर तो चना व्यापारी थे शरद जी, जिनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि आने वाला जो समय है वो चने के लिए ठीक ठाक होने की संभावना है और आने वाले समय में जो चने के दाम है वो लगातार बढ़ने की संभावना भी शरद जी जता रहे हैं। इंदौर के छावनी अनाज मंडी से नमन मंडी।